Hey, morning. So I've been driving this Mini Cooper for last 10 or 11 days and it's almost like 1000 or 1100 kilometers and here is my detailed full review. What is love? Lately I've been wondering just what is love? What is love? I don't know. No one ever showed me. I've been on my own for too long. But if you hold me now, let me into... एंड मिनी का मेरे को यही वाला एक चीज समझ में नहीं आता है कि वो लोग इंटीरियर अपडेट करते ही नहीं है। इंटीरियर वही सेम लाइक एवरी ईयर यू कीप ऑन सीइंग द सेम ओल्ड इंटीरियर। बाकी अभी जो 2021 में सम फ्यू अपडेट्स हैज बीन डन, बाकी मतलब ज्यादा कुछ अपडेट्स नहीं है। ओनली ये जो सामने वाला जो है इसको पूरा भी डिजिटल कर दिया गया है। बीच में जो आपका सेंट्रल वाला कंसोल मिलता है वो थोड़ा भी टच स्क्रीन है, उसको छोड़ के मतलब I don't think there are any more updates. So first off, talking about this interior, ये जो है ये अपना total मतलब बहुत ही old style वाला Mini Cooper, मतलब पूरा vintage Mini Cooper। बाकी ये जो design आप देख रहे हो ये वाला भी change होके नया 2021 में ये वाला पूरा भी digital आ गया है। बाकी ये वाला जो है वो almost the same, बाकी अभी जो नया वाला में this is touch screen। So basically Mini Cooper का जो interior it looks something like this and it's kind of always been boring for me. So I've been driving this Mini Cooper for like 1100 kilometers and 1100 kilometers में मेरे को एक चीज तो realize हो गया कि एक्चुअली डजंट मेक सेंस स्पेंडिंग लाइक 40-50 lakhs ऑन गेटिंग ए Mini Cooper एटलीस्ट फॉर इंडिया। रीजंस बहुत सारा है। देखो थाउजेंड अगर आप मतलब इतना पैसा खर्चा करते हो 40-50 मतलब लैक्स फॉर जस्ट ए स्मॉल कार जिसमें भी मतलब ओनली दो डोर है। अगर पीछे में कोई जाने वाला है उसको पूरा आगे वाला सीट को आगे करना पड़ेगा, उसके बाद अंदर घुसना पड़ेगा। ऑफकोर्स उसका जो कंट्री मैन वाला एडिशन है उसको आप ले सकते हो, वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, वो और थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा भी हो जाएगा। सो 40-50 lakh दे के आप एक स्मॉल कार लेते हो, एटलीस्ट उसमें उतना सारा फीचर्स रहना चाहिए कि उसको थोड़ा मतलब जस्टिफाई करें कि हाँ समवन इज पेइंग 50 lakhs फॉर ए कार। एंड Mini Cooper का जो सबसे बड़ा लोचा है वो उनका एडवांस का प्राइसिंग। Mini Cooper का आप जब इंटरनेट देखते हो कि 35 lakhs 32 lakhs आपको लगता हो कि हाँ पूरा कार अपने को उतना में आ जाएगा, दैट इज जस्ट एक शोरूम एंड वो पूरा बेसिक कार रहता है। उसमें आपको म्यूजिक सिस्टम नहीं आती है, 360 degree कैमरा नहीं आता, बैक कैमरा रियर कैमराज भी नहीं आता, उसके बाद इंटीरियर में पूरा बेसिक रहता है, कुछ भी चीज़ आती नहीं है, सीट्स भी पूरा बेसिक रहती है, एग्जॉस्ट भी मतलब एग्जॉस्ट जो उनका नॉर्मल एग्जॉस्ट वो आता है, एग्जॉस्ट नोट के लिए आपको और एक एक्स्ट्रा एग्जॉस्ट डालना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारा फीचर्स है जो आपको आते भी नहीं, आपको हर फीचर के एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। सो बेसिकली इफ यू आर गोइंग फॉर ए Mini Cooper, आपको अगर मतलब प्रॉपरली एक कार को कॉन्फिगर करना है, बेसिक Mini Cooper कॉस्ट लेट्स से लाइक Cooper S मतलब वही 35 या 36 lakh, उसके साथ अगर आप एडवांस डालते हो इट गेट्स मतलब प्रॉपर एडवांस, मतलब एटलीस्ट आपको जितना एडवांस चाहिए, म्यूजिक सिस्टम तो चाहिए चाहिए, प्रॉपर सीट तो चाहिए चाहिए, कैमरा तो रिवर्स वाला चाहिए चाहिए, ना तो रिवर्स कैसे करोगे। आजकल तो 2-3 lakh के हैं मतलब कार्स में भी उसके साथ वो रिवर्स कैमरा आ जाती है, तो इसमें बाकी आती नहीं, उसके साथ आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो अगर आप मतलब प्रॉपरली एक मतलब कार को कॉन्फिगर करते हो Mini को, यू हैव टू स्पेंड समवेयर क्लोज टू लाइक 42 या 43 lakhs प्लस टैक्सेस। मतलब ऑन रोड इट्स गोइंग टू बी क्लोज टू 40-50 lakhs जस्ट फॉर ए प्रॉपर Mini Cooper। एंड अगर आप JCW एडिशन पे जाते हो वो तो आपको और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाएगा, एंड वो पॉइंट मैं अभी आता हूँ। अभी नेक्स्ट आते हैं Mini Cooper का, दो मॉडल्स आते हैं, एक जो रहता है बेसिक वाला Mini Cooper, ये अभी है जो ये बेसिक वाला Mini Cooper है, इसके बाद और एक आता है JCW एडिशन। JCW एडिशन इज बेसिकली ए ट्यून्ड एडिशन Mini Cooper जिसमें और थोड़ा एक्स्ट्रा पावर रहता है, एग्जॉस्ट नोट भी खतरनाक रहता है एंड ऑल्सो कॉस्ट मोर। वो शायद मतलब ये नॉर्मल से JCW वाला एडिशन इज क्लोज टू लाइक 5-8 lakhs मोर। मतलब अगर आप नया नॉर्मल वाला Mini Cooper लेते हो इट कॉस्ट ऑन रोड क्लोज टू लाइक 48 या 47 lakhs, एंड JCW वाला अगर लेते हो इट कॉस्ट क्लोज टू लाइक 55-58 lakhs, मतलब क्लोज टू 60 lakhs जस्ट फॉर ए स्मॉल कार विद द JCW किट। ऑफकोर्स द JCW किट इज नाइस, इट साउंड्स ग्रेट एंड पावर भी खतरनाक है, बाकी उसमें माइलेज बहुत कम रहता है। इसका अगर हम माइलेज की बात करते हैं, इसका माइलेज क्लोज टू आई गेस आई एम गेटिंग समवेयर अराउंड 13-14, JCW में यू कैन एक्सपेक्ट समवेयर क्लोज टू 10। बाकी ये है कि ड्राइविंग जो एक्सपीरियंस है इट्स गुड, मतलब हाईवेज के लिए तो ये नहीं है, ये तो मैं कहूँगा, क्योंकि अभी लास्ट 1100 किलोमीटर में माई 1000 किलोमीटर हैज़ बीन लाइक कंप्लीट हाईवेज, क्योंकि दुबई में तो यहाँ पूरा स्ट्रेट रोड है, तो हाईवेज के लिए आई मीन इट्स ओके, बट ये बेस्ट है सिटी के लिए, बेस्ट है हाईवेज के लिए नहीं, क्योंकि हाईवेज में आपको थोड़ा मतलब भगाना पड़ता है, हाईवेज में आपको तो और थोड़ा मतलब स्टेबिलिटी चाहिए। मेरे को लगा कि मतलब ये सिटीज़ के लिए ठीक है, आप कहीं भी घुस सकते हो, बाकी हाईवेज के लिए इट्स नॉट दैट ग्रेट। सो यही है, अगर आपको Mini Cooper लेना ही है आई वुड ऑलवेज सजेस्ट प्लीज गो एंड गेट द JCW वाला एडिशन, क्योंकि उसमें आपको मिनी वाला फील भी आएगा, पावर भी उतना रहेगा, आप कहीं भी घुस घास के जा सकते हो, इसमें भी आप जा सकते हो, बाकी वो जो JCW में वो जो एक्स्ट्रा पावर इट एक्चुअली गिव्स दस ट्रस्ट, मतलब वो एक फील भी आता है और उसको चलाने में भी अच्छा लगता है।
JCW वाला किट जो है बोला मैं इंडिया में चला रहा हूँ, इट राइड्स ग्रेट, ये वाला अभी मैं चला रहा हूँ एंड इट वॉज ओके इस बाकी हाईवे के लिए आई वुड नॉट सजेस्ट दिस वन। एंड मेरा एक्चुअली जो ड्रीम गैराज है उसमें एक स्पेस मिनी कूपर के लिए भी था, बाकी अभी चलाने के बाद मेरे को लग रहा है कि नहीं है, इंस्टेड ऑफ मिनी कूपर वी शुड एक्चुअली गेट समथिंग एल्स लाइक ए वॉल्वो और मे बी टेस्ला, क्योंकि 40-50 लाख दे के अगर आपको मतलब वो जो राइडिंग वाला एक्सपीरियंस है, राइडिंग वाला आपको ड्राइव के लिए अच्छा नहीं लगता, इट डजेंट मेक सेंस स्पेंडिंग लाइक 40-50 लैक्स ऑन ए मिनी कूपर। अभी जो नया वाला जो मिनी कूपर आ रहा है उसमें डिजिटल वाला हब है, मतलब ए लॉट ऑफ अपडेट्स ऑफकोर्स, बाकी उसका जो इलेक्ट्रिक वाला आ रहा है आई वाज एक्चुअली वेटिंग फॉर द इलेक्ट्रिक वन एज वेल, बाकी इलेक्ट्रिक जो है दैट इज अगेन गोइंग टू बी एक्सपेंसिव एंड उसमें जो उसका जो मतलब रेंज है वो बहुत ही कम है, मतलब आपको नेक्सॉन में यू आर गेटिंग क्लोज लाइक 250-280, बाकी अपना जो मिनी कूपर है अगर आप 60-70 लाख खर्चा भी करते हो मिनी वाला इलेक्ट्रिक में यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग मोर देन लाइक 150-180 किलोमीटर, सो बेसिकली डजेंट मेक सेंस इवन वेटिंग फॉर द इलेक्ट्रिक एडिशन ऑफ मिनी कूपर। देखो आई एम नॉट सेइंग द कार इज बैड, द ओनली थिंग व्हाट आई एम सेइंग इज द कार इज ग्रेट बट द थिंग इज द प्राइस टैग डजेंट मेक सेंस फॉर इंडिया, मतलब 40-50 लाख फॉर ए स्मॉल कार जिसमें आपको मतलब ड्राइविंग एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा ही मतलब खतरनाक नहीं है, आई जस्ट फील लाइक द प्राइस कुड हैव बीन बेटर, मतलब मिनी कूपर जैसा है इंडिया के लिए द प्राइस टैग हैज़ टू बी समवेयर क्लोज टू लाइक 30-35 लाख एट मैक्स, 50 लाख इज ए लॉट ऑफ मनी फॉर अ स्मॉल कार एंड दिस इज जस्ट माई फीडबैक। सो लेडीज के लिए तो ये कार जबरदस्त है, बाकी फॉर बॉयज आई वुड ऑलवेज सजेस्ट टू गो एंड लुक फॉर द मर्सिडीज A35 AMG तो थोड़ा में भी एक्स्ट्रा पैसा हो जाएगा, बाकी A35 इज एब्सोल्यूटली ग्रेट, वो मैंने अभी जस्ट मतलब मर्सिडीज वाला शोरूम में देखा एंड मैन इट जस्ट लुक सो गुड, उसका इंटीरियर आप देखोगे तो पागल हो जाओगे एंड वो मर्सिडीज का A35 एंड ये मिनी कूपर का इंटीरियर अगर आप कंपेयर करते हो हेल एंड हेवन डिफरेंस, मर्सिडीज का A35 इंटीरियर इज लाइक लोडेड विद ए ह्यूज MBUX स्क्रीन, वॉइस कमांड, टच स्क्रीन एंड खतरनाक दिखता है बॉस, मतलब मेरा तो मतलब देखते ही मेरे को मालूम पड़ गया मैन आई लव दिस कार एंड व्हेन, वो जो अपना A35 AMG वाला ब्लैक कलर इट जस्ट लुक सो सिक, मतलब अगर आपको मिनी कूपर खरीदना ही है, अगर आपका दिमाग मतलब मिनी कूपर में सेट है समथिंग लाइक मी, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट गो एंड ड्राइव द मिनी कूपर एटलीस्ट 2-3 डेज, उसके बाद मर्सिडीज का शोरूम जाके A35 एक बार देख लो एंड आई विल बेट दैट A35 इज द वन यू आर गोइंग टू गो फॉर। सो माइलेज की अगर आप बात करते हैं ये वाला माइलेज क्लोज टू आपको भी 10-12 दे सकती है, JCW वाला इट्स गोइंग टू बी क्लोज टू लाइक 10 और मे बी 9 एंड मेंटेनेंस की अगर हम बात करते हैं मिनी कूपर का जो अपना मतलब ईयरली अगर आप 10,000 किलोमीटर से ज्यादा चलाते हो तब तो आपको और ज्यादा पड़ेगा, एंड अगर ये मिनी कूपर को आप एक साल में 10,000 से कम किलोमीटर चलाते हो आपका ईयरली मेंटेनेंस इज गोइंग टू बी समवेयर क्लोज टू लाइक 15-20,000। ऑलराइट गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, इतना ही था मेरा 1000 किलोमीटर वाला ओनरशिप रिव्यू ऑफ दिस मिनी कूपर एंड मिनी कूपर को आई एम नॉट सेइंग दिस इज अ बैड कार, दिस इज ड्राइव्स बैड और समथिंग लाइक दैट्स, मे बी जस्ट बिकॉज लाइक आई ड्राइव ए Z4 एज माई डेली ड्राइवर, मे बी मेरे को उतना लगता हो कि हाँ ये इतना अच्छा नहीं भागती है, इतना अच्छा चलता नहीं है, बट जस्ट टू गिव यू एन ओपिनियन कि मतलब इट्स गुड इट्स ग्रेट, द ओनली थिंग इज प्राइस डजेंट मेक सेंस इन इंडिया, दैट वॉज जस्ट माई फीडबैक जस्ट माई व्यू, लेट मी नो वॉट यू थिंक एंड मिनी कूपर अगर कोई बाद में होता है ये 2020 वाला नया वाला जब इंडिया में आ जाएगा उसके बाद उसका एक लंबा वाला रिव्यू वीडियो बनाएंगे। ऑल राइट गाइस अभी मेरा टाइम हो गया मिनी कूपर अभी लेके देने का है एंड आई नीड टू फ्लाई बैक टू इंडिया एंड आई विल सी यू गाइस टुमॉरो विद अ न्यू ब्लॉग।